हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गेहूं में 40 से 50 रुपए लगाकर घास में नियंत्रण करें, जो खरपतवार है उसमें भी नियंत्रण करें, और जो गेहूं का फुटवा है उसको भी कैसे हम ग्रो करें, उसको भी कैसे हम बढ़ाएं। ये दोनों आज की बहुत ही वीडियो जो है खास होने वाली है गेहूं की खेती के लिए, क्योंकि दोस्तों हम बताने वाले हैं गेहूं की खेती में घास और खरपतवार पर नियंत्रण, और जो है उसका फुटवा बढ़ाने के लिए कौन सा दवा यूज करें ताकि उसका फुटवा बहुत तेज़ी से ग्रो करे, जिससे हमको जो है पैदावार मिले, जो उपज हो वो है प्रति हेक्टेयर काफ़ी अच्छा हम लोगों का हो। दोस्तों सबसे हम पहले बता दें कि मार्केट में 20 से 30 रुपए का हमको मिल जाएगा इंडेन धूल, जिसको बोला जाता है। इंडेन धूल का उपयोग दोस्तों का मतलब खरपतवार नाशी में उसका उपयोग किया जाता है, लेकिन दोस्तों खेत ज़्यादा होने की वजह से अगर हम कम मतलब कम इंडियन धूल का यूज करके और ज़्यादा मतलब फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हम नॉर्मली मार्केट से 20 या 25 रुपए का इंडियन धूल लेंगे। इंडियन धूल लेने के बाद उसे दोस्तों हम उसको प्रति हेक्टेयर की दर से 1000 लीटर पानी में, मतलब 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में उसको घोलते हैं और उसको घोल के छिड़काव करते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार हम केवल इंडेन धूल का छिड़काव नहीं करेंगे अपने खेत में, क्योंकि दोस्तों केवल इंडेन धूल का अगर हम छिड़काव करते हैं तो केवल हम लोग का जो है बस खर पतवार पे नियंत्रण होगा, उसमें जो है फुटवा में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों, जो हमारी गेहूं है उसका जो दूसरा सी मतलब दूसरा जो है शिखर जड़ बनते समय जो हम सिंचाई करते हैं, पहला जो दोस्तों होता है गेहूं बुआई के समय हम 1 या 1.5 हफ्ते के बाद जो उसको सिंचाई करते हैं, और दूसरा जो सिंचाई होता है शिखर जड़ बनने के समय हम जो उसको सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई के बाद जब पैर मतलब खेत में हम सिंचाई कर दे, उसके बाद से पैर जब खेत में अच्छे से जाने लगे तो उसके बाद से हम दोस्तों इंडेन धूल का प्रयोग करेंगे। अगर इंडेन धूल मतलब हम लोग को नहीं उपलब्ध हो पा रहा है इंडेन धूल, तो उसके बाद से साइप्रोमेथ्रिन 35 cc एक डब्बा जो आता है दोस्तों, 30 या 35 रुपए के छोटा वाला उसका डब्बा आता है उसको, मतलब जैसे हमारा अभी 12 कट्ठा खेत है, जब भी जो हम छिड़ मतलब इसमें छिड़काव करेंगे वो 12 कट्ठा खेत है, तो इसमें हम लगभग लगभग 30 रुपये वाला जो पैकेट है इसका साइप्रोमेथ्रिन 35 cc का वो लिए हैं, और उसके बाद से मैग्नीशियम सल्फेट लिए हैं दोस्तों। कहने में तो दोस्तों जो हम बता दें कि मैग्नीशियम सल्फेट बहुत जगह लोग बता देते हैं ये फुटवा को बढ़ा देता है, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर हम मैग्नीशियम सल्फेट बहु मतलब रासायनिक अभिक्रिया से जो है दोस्तों इसको बनाया जाता है, बहुत ही मतलब मिट्टी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव करता है दोस्तों, तो ऐसे तो लोग बता देते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट लाइए और उसका पूरा 50 kg बोरा लाइए और बोरों को मतलब पूरा बोरा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कवा दीजिए। दोस्तों उसमें से 10% जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट वो हम लोग के पौधों को मिल पाता है, उसके बाद से 90% जो होता है मैग्नीशियम सल्फेट वो मिट्टी में रह जाता है, जो हम लोग को मृदा मतलब मृदा पर प्रदूषण में काम आता है, वही मृदा को प्रदूषण को बढ़ाता है। जिसे अन्य अगर हम खाते हैं तो अन्य अगर हम वो कोई मतलब हम लोग को जो उपज मिलता है अगर गेहूं, उसमें भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है और मिट्टी में भी देखने को मिलता है। दूसरी बार अगर मिट्टी से कोई मतलब खरपतवार निकला हाँ, उसके रास्ते वो गाय तक भी पहुंच जाता है, इसलिए दोस्तों बता रहे हैं कि मैग्नीशियम जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट 25 से 30 ग्राम, उसके बाद से साइप्रोमेथ्रिन 35 cc, और उसको मतलब जितने मतलब जितना आपका खेत है उसके हिसाब से दवा लेकर उसको उसको पानी में घोल कर पानी में घोल के और सेम बराबर बराबर हर एक डिब्बे में, अभी जो है दोस्तों हम पानी में अपना इंडेन धूल और मैग्नीशियम सल्फेट को घोल लिया है, और इसको हम देखिए दोस्तों कैसे हम इसको हम मिलाएंगे अपने जो छिड़काव करने वाला मशीन है मशीन में मिला के, और हम 12 कट्ठा जो हमारा खेत है उसके प्रति हेक्टेयर दर से इसका हम छिड़काव करेंगे दोस्तों आपको। और हम बता दें कि इसका जो है दोस्तों अगर हम ज़्यादा मात्रा में अगर प्रयोग करते हैं तो जो है वो खरपतवार जो नाशी है इंडियन धूल साइप्रोमेथ्रिन, अगर हम
ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग करते हैं तो हम लोग का जो फसल है वो पीला, गेहूं है जो पीला होने लगता है। इसलिए इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना है। मतलब प्रति हेक्टेयर की दर से 1 kg इंडियन धूल है प्रति हेक्टेयर में, 1 kg। उसके हिसाब से जो हम लोग का है, जो दोस्तों 12 कट्टा है, तो 20 से 25 ग्राम में हम लोग का पानी में घुल के हो जाएगा। उसके बाद से आगे की वीडियो के लिए जानकारी दे दोस्तों, जो गेहूं का जो मुख्य मतलब खरपतवार है, जो दोस्तों फेलरिस माइनर, जिसको गेहूं का मामा भी बोला जाता है, उसके लिए हम अगला वीडियो लाएंगे। जो फेलरिस माइनर है दोस्तों, बहुत ही मतलब ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है गेहूं में, जो हम लोग का गेहूं मतलब वो गेहूं से ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे हम लोग का जो गेहूं का पैदावार है मतलब उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए दोस्तों हम जो अगला वीडियो लाएंगे फेलरिस माइनर, गेहूं के मामा पे, जो गेहूं का मामा उसको बोला जाता है, उस पर हम जो दोस्तों अपना वीडियो लाएंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे को मतलब हमको सपोर्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।